हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुभव शर्मा और फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जर्नी स्टार्ट करेंगे दिल्ली तक की, तो समस्तीपुर टू दिल्ली। तो अभी सुबह के 5:10 हो रखे हैं, 20 मिनट, और अभी हम निकल रहे हैं। तो फाइनली ऑपरेशन हो गया, छठ हो गया, दीपावली हो गया, तो अभी थोड़ा हम लोग भारी मन से घर को अलविदा कहेंगे। इधर जूली है, बाय जूली, बाय मनोहरी, बाय प्राणा। इधर गाड़ी बाहर खड़ी है, तो ये भी बाय कर रहा है। वो अभी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, टायर प्रेशर जरूर चेक कर ले निकलने से पहले। तो सारा टायर का प्रेशर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलिए बैक चलते हैं। तो अभी हमारा 14.4 किलोमीटर और ट्रिप जो है 152 है। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। इधर मम्मी है, इधर घर है। आ ले लिए टैबलेट, हमें नहीं खा। हाँ, ये फट जाते हैं बाहर। अरे वो हो जाएगा। तो ये है घर। ए, बैठो नीचे। ये अति भोलेनाथ सबके साथ। इधर ये देखिए, गूगल भी है। गाइस, अभी बजे हैं 6:20 और हम ताजपुर क्रॉस कर रहे हैं। ताजपुर से आप पटना जा सकते हैं, जमदाहा होके उस साइड बेगूसराय है, बेगूसराय होते हुए आसाम तक जाती है रोड। NH 28 पे हम अभी, और यहाँ से हम मुजफ्फरपुर, गोपालगंज के रास्ते जो है गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा होते हुए दिल्ली जाएंगे, और देहरादून तक जाएगी हमारी सवारी। तो देहरादून तक जो है हमारे मैकल हैं आनंद जी, थोड़े बोरे मसवाल जी मिलाओ ना, और एक बागड़ बिल्ला भी है। चाची आराम से बैठी हुई है, काफी सामान हो गया है, छठ का प्रसाद उरसाद लेके आ रहे हैं दिल्ली। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ सबके साथ। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मुजफ्फरपुर से, पहले का टॉल है, नहीं सर पहला टॉल है काजी इंडा टॉल, जो कि हम लोगों ने 30 मिनट में सफर तय किया। यस, एंड काजी इंडा। तो यहाँ पे टॉल पे जो है हम लोग 6:58 से नहीं 57 से ही खड़े हैं। तो टॉल का जो नियम है ये 2 मिनट में फ्री, अभी पूछते हैं तो देख सकते हैं आप, गाड़ी हिली भी नहीं है, टाइम हो रखा है 6:58। तो आप देख सकते हैं एक टॉल पास करने में 4 मिनट लगा है, तो क्या घंटा क्रूज होगा यहाँ पे। और टैग लाइन है गो क्रूज। तो ये है दूसरा टॉल। कहाँ से पहुंचने वाले हैं गाड़ी को रोकने के लिए, यहाँ पुलिस भी आया। और यहाँ पे मोतिहारी पुलिस आप देख सकते हैं सेवा में निर्मित है। सिंगल लाइन पुल है तो थोड़ा तकलीफ होता है, और गाना चल गया है तब कॉपीराइट इश्यू के वजह से जो है वीडियो को म्यूट कर दिया जाएगा आगे एडिटिंग में। कल ये वाला गाना चला दोगे तो कॉपीराइट हो जाएगा। हाँ, गाना ना बज रहा है, ए, वो चट क्लेम कर देते हैं इमरान हाशमी। हम लोग गोपालगंज के चेक पोस्ट पे पहुंच गए हैं। तो ये है बिहार यूपी का बॉर्डर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यही पे शराब तराब का चेकिंग होता है। बिहार है ड्राई स्टेट, यूपी है फुल प्याक स्टेट, तो इसके इधर जो है कोई शराब तराब वर्जित नहीं है, पी सकते। स्माइल देख रहे हैं भाई साहब।
यहाँ से जो है गोरखपुर है 127 किलोमीटर, लखनऊ है 367 और दिल्ली हमको थोड़ी पता है, हम गूगल मैप है देख के बताएंगे। टोल चौथा टोल या तीसरा टोल है, तो अभी सबसे पहले तो हमें गाड़ी में ईंधन लेना है। यूपी में आ गए हम लोग, बिहार में नहीं लिए हैं क्योंकि बिहार में है 108 और यूपी में देखते हैं कितना है। तो ऐसा है निकर में, तो अभी यूपी इंटर करने के बाद ये पहला टोल है, तो अभी ऑलमोस्ट तीसरा या चौथा टोल है। तो ये रही अपनी निशान मैग्नाइट और इधर अभी आंटी गई है वॉशरूम, देखते हैं इधर क्या सब व्यवस्था। यहाँ पे सारे गाड़ियाँ रुक के लोग रेस्ट कर रहे हैं आराम से, अच्छी जगह है थोड़ी। आज का हमारा पहला फ्यूलिंग है, बैग देना पीछे गोपालगंज में से आगे, सॉरी गोपालगंज अभी हम लोग हैं, कहाँ है हम लोग सर? हम लोग हैं कसिया में। तो अभी हम लोग हैं कसिया में जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे पेट्रोल है 96 और गोपालगंज में था 108 रुपये, मतलब कि सीधा सीधा 12 रुपये का फ़ायदा है। तो 30 लीटर भी डलवाइए तो 300 से ऊपर का फ़ायदा है, तो बी स्मार्ट, योगी जी के राज में आइए और भरवाइए तेल। तो अभी हम लोग गोरखपुर में पहला स्टॉप लिए हैं खाने वाने के लिए गोरखपुर पार होने के बाद। तो रेस्टोरेंट का नाम है दाना पानी, काफ़ी फेमस है, हाईवे पे ही है। तो अभी चलिए फिर देखते हैं कि क्या खाते पीते, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं, फ्रेश होकर फिर मिलते हैं। ये हाई टेक लोग का यहाँ पे खाना आ गया है, राइस, अंडा करी, दही और पनीर कराया, खाते हैं इसको मस्त और फिर निकलेंगे हम लोग लखनऊ। तो अभी खाना पीना हो गया है, तो बेस्ट अंडा कड़ी जो होता है उससे को मैं सेकंड रेट करूंगा यहाँ का, दाना पानी गोरखपुर का। तो अभी हम लोग रेडी हैं, गाड़ी वाड़ी घूम रही है यहाँ पे, संकल्प अपना कोक वोक पी रहा है, तो संकल्प जाएगा उत्तराखंड तक। और ये रहा सीरी और ये रहा गूगल, गूगल का हालत खराब था, उल्टी गलत गूगल। तो चलिए अब चलते हैं, अब अगला स्टॉप रखेंगे हम लखनऊ, तो बने रहे मेरे साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको बस की भी वीडियो मिल जाएगी, ट्रेन की भी वीडियो मिल जाएगी दिल्ली टू बिहार की, तो आप मेक श्योर कि आप सारा चेकआउट कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट वे क्या है। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में समरी बताऊंगा कि क्या कहां कैसे क्या चल रहा है। तो अभी चलिए चलते हैं सीधा, कार में मिलते हैं फिर। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सोन नदी, लाल की स्पीड में, काफी बड़ी नदी है, जस्ट लाइक गंगा। तो गाइस आपने लोशन बहुत सुना होगा, पोरो प्लस, पोरोलीन, जो भी लोशन होता है, वैशलीन, निविया। अभी मैं एक नया लोशन आया है मार्केट में, और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, आप भी ले सकते हैं 30 रुपये में, और लोशन का नाम है ये देखिए जालिम लोशन। तो आप देख सकते हैं बाबू बनारसीदास कॉलेज है यहाँ पे, और आपका स्वागत है लखनऊ में, समझे लखनऊ मतलब न गोली न बंदूक, थूक के माथा में छेद कर। उधर आईनॉक्स वगैरह भी है, क्राउन, बट बॉलीवुड को तो हम लोग त्याग दिए हैं, आप लोग भी त्याग दीजिए। कालू ए बागड़ बिल्ले, कुछ बोलो, कुछ बोलिए, कह रहा है ठीक नहीं लग रहा है। कर गए हैं, काफी
मशक्कत के साथ। और अभी यहाँ से है आगरा एक्सप्रेस वे 5 किलोमीटर, तो अभी चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगरा एक्सप्रेस वे पे। कैसा रिव्यू रहा लखनऊ सिटी पार करने का साहब? बहुत बढ़िया, बिना जाम के आज पहली बार लखनऊ हम लोग पार कर गए। व्हाट इज दिस हैपनिंग टू माय फेस, आई डोंट नो। ये तो शुरू करते हैं, यहाँ से जो है एक्सप्रेस वे का सिलसिला चालू होता है। ये एक्सप्रेस वे एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। इस पे जो है हेलीकॉप्टर हवाई जहाज सब उतर जाता है, मान के चलिए। बस वही है, इसमें जब भी आप चलें तो गाड़ी में ईंधन फुल करवा लें, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे एक टॉल है जो कि 600 रुपये का है और सीधा आपको एग्जिट के टाइम पे ही जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपको 2 विश्रामालय है जहाँ पे आपको 2 पेट्रोल पंप लगेंगे, और अगर उस पर आप मिस करते हैं तो आपको सीधा जो है नीचे उतरना होगा और डबल टोल पे करना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। ये देखिए अब इस पे चलेगा जो बल धकेल। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ नेक्स्ट एग्जिट 63 किलोमीटर। आगरा यहाँ से 316 किलोमीटर मात्र। तो चलिए फिर से एक बार भोलेनाथ सबके साथ शुरू करते हैं म्यूजिक। सामने है वो है गलागोप टोल। एक बारी जाइए और 600 रुपया कटवाइए और आगरा चले जाइए। मतलब जो है एक ही टोल है, नो डिस्टरबेंस। इसमें आपको बाइक का भी टोल लगता है, तो बाइक का तो मुझे पहली बार ऐसा हुआ है ना कि हमने 7 और 8 के स्पीड में इसको क्रॉस किया। हाँ सही बात है, पहली नहीं तो इतनी अच्छी रोड है कि आपको विजिबिलिटी 2 किलोमीटर तक की मिलती है, और आप इसमें गलती क्या करेंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा और ब्रेकर आ जाएगा। तो जब भी अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कालू तो हमारा ठीक है, ब्रेकर मरवा देता है, खुला ना हो। अब जो है ये सीधा टॉल, अब जब आगरा पे एग्जिट होगा तब होगा, तो 600 रुपये का टॉल है ये। बीच में अगर आप एग्जिट करते हैं तो जहाँ पे एग्जिट होगे वहाँ पर इतने पैसे कट जाए। तो ये जो टॉल है अभी भी देखिए 32 पे है गाड़ी। देखा मैंने आपको पहले ही बोला था, क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। देखिए झाड़ू वाड़ू लग रहा है ट्रैक्टर से, तो सब सफाई का काफ़ी ख्याल रखा गया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला रेस्ट एरिया है, चला चुके तो अभी हम लोग 700 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। मस्त खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है। यहाँ पे रेस्ट एरिया है पहला, जो कि 70 किलोमीटर के आसपास में आके है। तो अभी हम फ्यूल अप करवा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, रेस्ट रूम, पार्किंग सारे की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो चलिए अभी दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं फूड किंग। तो पैर हाथ सीधा करते हैं और देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। ये देखिए रेड कलर का XUV7 आगे से ले। तो गाइस हम फाइनली रुक चुके हैं यहाँ पे, तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई फूड किंग। बाकी जर्नी काफ़ी इजी थी, कोई इशू नहीं। यहाँ पे डॉग सबको बहुत प्यास लग गया था, कालू को एक कूलर पानी पिया है, सीरी कम पिए है। सीरी कालू साइकिल में पेट्रोल लीजिएगा क्या? तो यहाँ पे रिलायंस का पेट्रोल पंप जो पहला ये एक्सप्रेसवे पे तो भैया पहला पेट्रोल पंप है ना। तो पेट्रोल है यहाँ पे 100 रुपये लीटर, तो देख लेना आप वैसे 96 का ही, रिलायंस है तो 100 का। तो यहाँ पे हम टंकी फुल करवा रहे हैं, सेकेंड फुल टैंक।
आने का टारगेट है, 10:30 तक लग जाएगा, नो इश्यू है एट ऑल। तो अभी थोड़ा चाय चुस्की मैजिक फूड जोन में कर लेते हैं और फिर नॉन स्टॉप आगरा। यहाँ पे नया नया अल्कजार, सॉरी नोएडा गाइस, मैं मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर कलुआ भी उठ गया है, हाय कलुआ, इट्स गूगल आप लोग के लिए, कालू प्यार से बोला। रोक रहा नहीं, मैं चाय चुस्की पी लीजिए ना। ओहो गाइस, हम लोग 10:55 में पहुंच गए हैं, उधर से चले थे 5:45 के आसपास, यहाँ 10:55 में। तो काफ़ी बढ़िया सफ़र रहा, अभी उतरते हैं फिर रूम पहुंचते हैं, फिर आपको विवरण देंगे ट्रिप का। फाइनली गाइस पहुंच गए हम नोएडा। तो फाइनली हमें जो है 14 घंटे लगे टोटल, हम सुबह 6 बजे निकले थे समस्तीपुर से और 10:30 बजे के आसपास आए, तो आराम से ही आए हम लोग, कुछ ज़्यादा फास्ट वास्ट नहीं आया, बस कहीं हॉल्ट नहीं किया, रात को स्टे नहीं किया, तो अच्छे से पहुंच गए। तो इस ट्रिप में हमें ऑलमोस्ट 2.5 टंकी तेल लगी, मतलब 30 लीटर का एवरेज लेके चलो तो 30-60 और 75 लीटर्स के आसपास पेट्रोल मान लो तो 7,300 के आसपास का पेट्रोल आपको लगेगा, और टोल जो लगता है वो 1,795 रुपीज़ का, 7,000 का नहीं, 1,795 रुपीज़ का एग्जैक्ट टोल लगेगा आपको कार से अगर आप जाते हो तो। तो जर्नी हमारी काफ़ी बढ़िया रही, रूट जो हमने लिया था वो मुजफ्फरपुर गोपालगंज होते हुए लखनऊ होते हुए गोरखपुर लखनऊ होते हुए नोएडा आते हैं आगरा एक्सप्रेसवे के थ्रू। तो हमने जो एक्सप्रेसवे लिया वो लिया हमने लखनऊ टू आगरा, आगरा टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो काफ़ी बढ़िया जर्नी रही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। जल्दी ही बाइक पे भी ब्लॉग आएगी, तो कार से हो गया, ट्रेन से हो गया, बस से हो गया, फ्लाइट से हो गया, अब बस बाइक ही बाकी है, उससे भी जल्दी मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।